जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में। दोस्तों, दो तीन दिनों से जैसे ही समस्तीपुर मंडल ने रेलवे मुख्यालय को यह प्रस्ताव भेजा है कि राजधानी एक्सप्रेस दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड पर दौड़ेगी, इसकी जो चर्चाएँ हैं वो बहुत ही तेज हो गई है। और अब जो इस रूट पर बहुत दिनों से लगातार मांग हो रही थी कि इस पर कोई प्रीमियम ट्रेन दी जाए, तो राजधानी एक्सप्रेस की बात आती थी। डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली की जो राजधानी एक्सप्रेस है, इसके लिए प्रस्ताव भी भेजा गया है रेलवे मुख्यालय के समक्ष। लेकिन इसके बाद भी एक और नई ट्रेन है जो जिसके लिए भी प्रस्ताव भेजा गया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बता दें आपको दोस्तों, ये जो राजधानी एक्सप्रेस है डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली की जो राजधानी एक्सप्रेस है, दोनों ही राजधानी एक्सप्रेस को डाइवर्ट करने की मांग की गई है। यानी कि न्यू जलपाईगुड़ी से चलने के बाद कटिहार, पूर्णिया, फारबिसगंज, सरायगढ़, सुपौल, सहरसा के रास्ते, और दूसरी जो है रूट है, दूसरी एक और राजधानी एक्सप्रेस है, यानी दो राजधानी एक्सप्रेस उत्तर बिहार के क्षेत्रों से गुजरने की प्रस्ताव है। उस प्रस्ताव के अनुसार फिर है दूसरी राजधानी कटिहार से चलने के बाद पूर्णिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, सरायगढ़, निर्मली, झंझारपुर, दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी, रक्सौल के रास्ते न्यू दिल्ली के लिए जो डिब्रूगढ़ राजधानी है उसको, उसके लिए मांग की गई है। तो दोनों ही राजधानी एक्सप्रेस की जो प्रस्ताव है समस्तीपुर मंडल द्वारा भेजा गया है रेलवे मुख्यालय को, और कई मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन दोनों ही ट्रेनों के अलावा एक और नई ट्रेन जो रक्सौल से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चलेगी और वह इंटरसिटी टाइप की एक्सप्रेस ट्रेन होगी, यानी कि दैनिक रूप से चलेगी, इसके लिए भी प्रस्ताव भेजे गए हैं। इंटरसिटी एक्सप्रेस जो न्यू जलपाईगुड़ी से रक्सौल के बीच चलेगी, इसका भी रूट कुछ इसी तरह का होगा। इन दोनों ही रूटों में किसी रूट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो आगे जो प्लान है रेलवे का वह यही है कि जो अमान परिवर्तन हो रहा है, जो नई रेल लाइन बन रहा है, उस रेलखंड पर जो ट्रेनों की कमी है उसको पूरा करने के लिए इन सारी ट्रेनों को, कई ट्रेनों को इस रास्ते से होकर के मिशन पूर्वोत्तर का जो मांग है उसको पूरा कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक इस रेलखंड से जो प्रस्ताव भेजा गया है उसके मुताबिक इस रूट पर 25 माल ट्रेनों यानी मालगाड़ियों का भी परिचालन इस रूट से होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको छोटी सी वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हमसे फिर से किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।